अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबीरा और आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार चिकन पीटा पॉकेट्स। बच्चों की बहुत ही फेवरेट हैं, तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगी कि कैसे हम पीटा ब्रेड से बना सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत जल्दी से बनने वाले चिकन पीटा पॉकेट्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए पैन में 2 चम्मच ऑयल डाला है। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो उस वक्त हम डाल देंगे गार्लिक, मैंने चॉप करके डाल दिया है, आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। गार्लिक को थोड़ा सा कुक कर लेंगे, जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज होगा तो तब हम इसमें चिकन डालेंगे। बस इसे 1 से 2 मिनट लगेंगे और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ। मैंने ले लिया था 200 ग्राम चिकन और उसके छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं। अब इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब चिकन को भी हम तब तक कुक करेंगे जब तक इसका कलर भी चेंज नहीं हो जाए, मीन्स वाइट ना हो जाए। तो बस इसे 1 से 2 मिनट लगेंगे और चिकन जो है वो सारा का सारा वाइट हो जाएगा। तो मैं इसीलिए इसे मिक्स करती जा रही हूँ ताकि हर तरफ से चिकन जो है वो अपना कलर चेंज कर ले। अगर मैं इसे मिक्स नहीं करूँगी तो कहीं से वाइट और कहीं से वही कलर रह जाएगा, इसीलिए मैं इसे मसलसल चम्मच जो है वो हिलाती जा रही हूँ। तो ये देखें 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और चिकन जो सारा का सारा वाइट हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे योगर्ट, मैंने डाली है 4 चम्मच। तो सबसे पहले मैं योगर्ट डाल रही हूँ ताकि चिकन इसमें थोड़ा सा टेंडर हो जाए। अगर हम इसमें पहले ही सारी सब्ज़ियाँ और सारे मसाले डाल देंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगा और बिल्कुल टूट जाएगा। तो हमें इसी तरह छोटे छोटे पीस चाहिए, इसलिए योगर्ट डाल दिए पहले और इसको थोड़ी देर के लिए कुक कर लेते हैं। जैसे ही योगर्ट डालेंगे साथ ही मसाले डाल देते हैं ताकि योगर्ट के साथ ही मसाले भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। तो जिसके लिए मैंने 1/2 चम्मच नमक डाला है और 1/2 चम्मच ही मैं इसमें लाल मिर्च डाल दूँगी पिसी हुई। इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाते। और 1/2 चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा मैंने डाला है टिक्का मसाला, तकरीबन 1/2 चम्मच ही। आप अपनी मर्ज़ी से कोई और फ्लेवर भी डाल सकती हैं, बारबेक्यू मसाला, जो भी आपको अच्छा लगता हो। मैंने टिक्का मसाला डाला है। अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं और तब तक कुक करेंगे जब तक योगर्ट का पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए, क्योंकि इसी में चिकन ने गल जाना है। तो मैं इसीलिए अच्छी तरह सारा मिक्स कर रही हूँ और इसी में मसाले भी जो हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो रहे हैं। बस इसे भी 1 से 2 मिनट लगेंगे क्योंकि फ्लेम यहाँ पे मेरा मीडियम है। तो ये देखें 1 से 2 मिनट के बाद जो है योगर्ट का पानी सारा ड्राई हो चुका है और इसकी लुक भी ऐसी आ गई है। तो ये देखिए थोड़ा ड्राई ड्राई हो गया है। बस अब इसे थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डालेंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आप कोई से भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। इस वक्त चिकन जो है वो 80% तक कुक हो चुका है, तो इसलिए मैं अब डालूंगी इसमें वेजिटेबल्स, जिसके लिए मैंने एक छोटी गाजर ली थी और उसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और साथ ही इसमें मैंने एक छोटी शिमला मिर्च ले ली थी, उसे भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। और प्याज भी एक ही छोटा लिया था, उसे भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब इन सबको मिक्स करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें इनको हल्का हल्का क्रंची रखना है, थोड़ी सी कुक हो जाएं और थोड़ी सी क्रंची भी रहें। इसीलिए इनको योगर्ट से पहले नहीं डाला, अगर योगर्ट से पहले डाल देती तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती। और अब मैंने डाला है 2 चम्मच चिली सॉस और 1 छोटा चम्मच लेमन जूस। इन दोनों से फ्लेवर जो है वो बहुत मज़े का हो जाएगा। तो इन्हें भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि इनका फ्लेवर भी चिकन में और वेजिटेबल्स में अच्छी तरह आ जाए। तो अब मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच पानी। पानी डालने से ये होगा कि थोड़ा ज़रा ज़रा सा जो इसमें मॉइस्चर आ जाएगा और वो थोड़ा मज़े का लगता है। और साथ ही इसको हम कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, क्योंकि चिकन 80% तक कुक था। तो अब जो 20% रह गया वो भी कुक हो गया है 5 मिनट के बाद। देखें ऐसी कंडीशन आ गई है, चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम एक साइड पर रख देते हैं इसे ठंडा करने के लिए। और इसके साथ जो है वो 1 चम्मच ऑयल डाला है मैंने तवे के ऊपर। और अब मैं पीटा ब्रेड को थोड़ा सा कलर दे दूंगी, लाइट सा फ्राई कर लेंगे। ये मेरे पास पीटा ब्रेड है तो इसे हम एक साइड पे पहले रखा है। अब इसे 1 मिनट लगेगा, लाइट लाइट कलर आएगा, थोड़ी क्रिस्पी सी हो जाएंगी, क्योंकि पॉकेट्स जो हैं वो हल्की सी क्रिस्पी हों तो वो मज़े की लगती हैं। अगर डायरेक्ट मैं इसी तरह इसमें फिलिंग करूँगी तो ये सारी टूट जाएंगी, इसलिए हमें हल्का सा इसे फ्राई करना होता है। तो बस एक साइड से 1 मिनट लगा, अब मैं इसको पलट देती हूँ।
दोबारा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी में ये जो साइडों पे इस तरह घुमा के इसको बस दूसरी साइड से भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं और हल्का हल्का प्रेस करते हैं ताकि इसको कलर आ जाए। जैसे ये देखिए एक साइड से कलर आया हुआ है, इसी तरह ये दूसरी साइड पे भी आ जाएगा। तो बस ये रेडी हो चुकी है, इतना सही हमें करना था। ये देखें इस तरह से, इसी तरह मैं सारी कर लूँगी। तो अब एक सॉस भी रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 4 टेबल स्पून, और साथ इसमें मैंने ली थी बंद गोभी, उसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। ये देखें ये मैंने बंद गोभी ली हुई है इस तरह से बिल्कुल बारीक, तो इसे भी मैं मेयोनीज में ही डाल दूंगी क्योंकि बंद गोभी जो है वो पॉकेट्स में बहुत मज़े की लगती है। इसको मैंने कुक करते वक्त नहीं डाला क्योंकि ये क्रंची ही अच्छी लगती है, मज़ीद फ्लेवर देंगे। जिसके लिए 1 चुटकी नमक डाला है और 1/4 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, बस इतनी सी चीज़ें डाल के अब हमें मिक्स करेंगे। तो ये हमारी कैबेज की सॉस रेडी है, तो इसीलिए मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करके रख दूंगी एक साइड पे। तो बस ये मिक्स हो गया है, ये हमारी सॉस रेडी हो गई है। तो अब हम दोबारा से लेते हैं पीटा ब्रेड को, अभी जो हमने फ्राई की थी हल्की सी, इसको सेंटर में से अब हम कट कर देंगे। ये एक पीटा ब्रेड से 2 पॉकेट्स बनेंगी। ये देखिए इसे इस तरह से कट करना है, ये ऐसे, और इसका ये वाला जो पार्ट है इसको मज़ीद हम अंदर से, नाइफ़ तेज़ होनी चाहिए थोड़ी सी, और मैं आपको बताती हूँ इसको पॉकेट कैसे बनाना है। इस तरह थोड़ा आराम आराम से हम इसको कट करेंगे, ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना, ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा कट जाए और फिर फिलिंग बाहर निकल आती है। बस कॉर्नर तक नहीं जाना, सेंटर में, और ये इस तरह से पॉकेट बन जाएगी। अब इसमें हम फिलिंग करेंगे, ये वही चिकन है, ठंडा हो गया है, और वो जो हमने अभी सॉस रेडी किया था कैबेज का, सबसे पहले हम उसे डालेंगे इसमें। इस तरह से हम पीटा ब्रेड के जो अंदर सारी साइड है उसमें इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ फोक से, ताकि इसका जो टेस्ट है वो हर जगह आ जाए और कहीं से भी पीटा ब्रेड फीकी फीकी नहीं लगेगी। बस इसी तरह अच्छी तरह इसे फिल कर दे, थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करके, ताकि नीचे तक भी ये सॉस लग जाए। तो मैं इसमें थोड़ा सा और डाल रही हूँ क्योंकि जितनी ज़्यादा ये होगी तो थोड़ा जूसी जूसी लगेगा। तो अब हम इसमें चिकन की फिलिंग करते हैं। चिकन को भी जब डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेंगे ताकि चिकन भी जो है वो नीचे तक चला जाए। तो 2 चम्मच या 3 चम्मच इस तरह से एक पॉकेट में आ जाते हैं, इसीलिए हमने इसके छोटे छोटे पीस किए थे ताकि आराम से फिलिंग हो जाए। तो ये देखें ये अच्छी तरह से फिल हो गया है। अब मैं आपको 2 तरह से बनाना बताऊंगी, एक ये है बग़ैर केचप के, इस तरह से ये रेडी हो गया है। तो दूसरा मैं आपको बताती हूँ, इसमें हम केचप भी डाल सकते हैं, उसका भी एक फ्लेवर आता है मज़े का। तो सेम वही प्रोसेस करना है, पहले कैबेज वाली जो सॉस थी वो डाली है और फिर चिकन, और इसके बाद केचप डालेंगे हम। केचप जो है वो आप फिलिंग में शुरू में भी डाल सकते हैं और एंड में भी, लेकिन मैं सिर्फ अब डाल रही हूँ। अभी आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको केचप ज़्यादा पसंद है तो आप केचप ज़्यादा भी डाल दें, लेकिन मैं थोड़ा सा ही डालूँगी। तो बस इसी तरह मैं कुछ केचप के साथ रेडी कर लूँगी और कुछ केचप के बगैर। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है केचप के साथ भी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से सारे के सारे रेडी हो चुके हैं। इतने मिक्सचर में मेरे 5 बने थे, तो ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही टेस्टी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।